इस वक्त की सबसे अहम खबर रोहतास के डेहरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक मुख्य पार्षद महिला जनप्रतिनिधि विशाखा सिंह ने विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे करने की बात कही है। विशाखा सिंह के बदलते तेवर के साथ अब विधायक जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा मुख्य पार्षद विशाखा सिंह के खिलाफ की जा रही ऊटपटांग टिप्पणी और आरोप ने विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक फतेह बहादुर सिंह को करारी शिकस्त मिली है। हाईकोर्ट से मिली आदेश के बाद मुख्य पार्षद विशाखा सिंह काफी उत्साहित दिखी। विशाखा सिंह ने कहा कि विधायक के द्वारा की गई गलतियों और झूठे आरोपों को मैं माफ नहीं करूंगी और जल्दी अपने लीगल फॉर्म से मानहानि का केस विधायक पर करूंगी। एक महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी और आरोप लगाया वो किसी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। उक्त बातें विशाखा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से कही। मामले में विधायक से जब संपर्क किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई। बहरहाल विशाखा सिंह प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद डेहरी का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है, क्योंकि पहली बार किसी महिला जनप्रतिनिधि ने एक पुरुष विधायक को मैदान में ललकारने का काम करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी शिकस्त देने का काम किया है। आइए सुनते हैं महिला जनप्रतिनिधि की सिंह गर्जना। रोहतास से आरपी भारत के लिए कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। तथ्य छुपाकर और गलत सर्टिफिकेट बनाई थी, जाति प्रमाण पत्र बनाई थी, उसमें इनके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उन्होंने सभी तथ्य को स्पष्ट रूप से उसमें अंकित था और उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया नहीं था और उनका जो भी आरोप था सब निराधार बेबुनियाद था। और उन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज हमेशा मैं देखता था आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो भ्रष्ट लोगों जो संबोधित करते थे उसका मैं निंदा करता हूं और मैं उस पर ये भी हूं कि मैं लीगल एडवाइस भी ले रहा हूं और उसके बाद इनके ऊपर मतलब मैं मानहानि का भी मुकदमा का दायर करने के लिए मैं तैयारी में हूं। और वो सही नहीं है जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया बिना तथ्य के, एकदम बिल्कुल निराधार तथ्य ही मतलब ये था। और जो भी निर्वाचन आयोग का जो फैसला हुआ मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने पूरी बारीकी से सभी अध्ययन किया और मामला उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है और जो फैसला आएगा वो मान्य है। मेरा तो यही कहना है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तो जो भी नतीजा आया है सभी के सामने है और जिस तरह माननीय विधायक जी द्वारा मेरे पे जो केस मुकदमा उन्होंने किया है तो ये सरासर एक गलत आरोप लगाया है, क्योंकि मेरा जो भी जाति है मूलतः मैं महाराष्ट्र की हूँ और मेरी शादी यहाँ बिहार में हुई है, तो जो भी सर्टिफिकेट मेरे ये सत्य पाया गया है तो मेरी मैं हमेशा सत्य हूँ और सच्चाई की जीत हुई है। कितना सपोर्ट रहा खासकर पार्षदों का भी आपको लेकर? मेरे साथ हमेशा पार्षदों माननीय पार्षदगण का साथ तो रहा ही है। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड जो कि वो एक माननीय पार्षद है उनका हमेशा सपोर्ट मुझे रहा है। अच्छा, जिस तरह से विधायक ने निजी तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया था तो क्या ऐसा भी है कि आपकी तरफ से मानहानि का मुकदमा भी कराया जाएगा? फिलहाल जिस तरह उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भ्रष्ट आचरण के तहत मतलब माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा काम किया गया है, तो ये जो भ्रष्ट आचरण लगा है तो मुझे यही कहना है जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होते तो किसी के आचरण पे आरोप लगाना ये गलत बात है। और देखा जाएगा तो इसके लिए जो मानहानि का है उस पर हम लोग विचार करेंगे और मानहानि का केस करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।